मित्रों आपका स्वागत है जी एस ग्रीन गार्डन में। फ्रेंड्स देखिए, ये जो करेला है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और बहुत ही उपयोगी जो है एक सब्जी है हम लोगों के लिए। आज के युग में जब हर आदमी जो है शुगर का पेशेंट सुनाई पड़ रहा है, टॉक्सिन्स निकल नहीं पा रही हैं, परिश्रम कर नहीं रहा है, तो ऐसे में करेला जो है खून को साफ करने वाला और पूरे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद फल है। तो इसके लिए आपको, अगर यदि आप करेला लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप करेले का बीज इस समय भी आप गर्मी के सीजन में भी ला सकते हैं, उससे बोल के कि इस समय जो जून जुलाई में जो करेला लगाया जाता है उसका बीज हमको दीजिए और अच्छे क्वालिटी का बीज दीजिए। अच्छे क्वालिटी का बीज लेके उसको एक दिन भिगा दीजिए और उसके बाद 12 घंटे भिगा दीजिए मैक्सिमम। उसके बाद एक कपड़े में, कॉटन के कपड़े में रख कर एक जगह टांग दीजिए ताकि वो थोड़ा सा अंकुरित हो जाए और उसके पश्चात आपके पास बहुत ज़्यादा व्यवस्था ना हो तो ये जो प्लास्टिक का जो है ग्लास होता है जिससे हम लोग पानी पीते हैं उसमें नीचे और साइड में 3-4 छेद करके और उसी में कोकोपीट हो या किचन गार्डन की मिट्टी हो या सैंड हो डालकर उसके अंदर जो है उसको लगा दें और एक बार पानी दे दें और उसके बाद थोड़ा सा मतलब ऐसी जगह रख दें कि बस एक दो घंटे, एक घंटे की धूप आती हो, उससे ज़्यादा ना आती हो, या किसी पेड़ के छांव में रख दें और उसके बाद ज़्यादा नहीं तीसरे दिन ही वो अंकुरित होके पेड़ निकल आएगा। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ और ध्यान देना है कि करेले के बीज लगाना कैसे। करेले का बीज जो है आपको जिधर पॉइंटेड रहेगा उसको नीचे लगाना है, ये नहीं, अगर आपने पॉइंटेड ऊपर लगा दिया तो फिर करेला नहीं निकलेगा, तो मैंने अंकुरित नहीं होगा। तो आप उसको नीचे लगाएं, पॉइंटेड करके नीचे लगाएं और जब वो पेड़ कुछ दिन पक्का बड़ा हो जाए, एक हफ्ते का हो जाए, 3-4 पत्तियाँ निकल आए, तो उसमें आप उसको जहाँ पे आपको थोड़ा सा धूप आती हो, 4-6 घंटे की कम से कम धूप आती हो, वहाँ लगा दें। और जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तो जैसे हमने अपने गुलाब